ये कुछ फ्रंट लुक है, ये है पार्किंग स्पेस। ये पापा की न्यू स्कूटी, मैंने और मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट करी थी पापा को आफ्टर रिटायरमेंट। ये गाइस मेरी बीवी। क्या कर रहे हैं हम गाइस को बता। पहले ये मेरा रूम था जब मैं बैचलर था। क्या हाल है जतिन? जतिन इज माय नेबर एंड माय गुड फ्रेंड, हेलो कर दे। तो भाई ये है पार्किंग स्पेस और ये कुछ फ्रंट लुक है और ये कुछ सोसाइटी का लुक है। दो राइजिंग फ्लैट्स हैं ये, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर यूनिट अपनी है, या फर्स्ट यूनिट की गाड़ी, सेकंड यूनिट की, थर्ड यूनिट की। ये थोड़ा सा लिटिल पार्क एरिया है जिसको मम्मी ने बेल बुल बेलों के साथ गुथम गुथा हो रखी है। बेल सूख जाती हैं, फिर बेल हो जाती हैं, फिर उसके बाद भाई ये है अपनी एंट्री। ये मेरी मोटरसाइकिल, पता नहीं कितने दिनों का चलाए हुए, बहुत जल्द चलाएंगे छोटे। और ये, अरे जब हमने ये लगाई थी ना गौतम, तू भी था ना, जब हमने ये लगाई थी ना तो पापा का रिएक्शन देखने वाले थे। अगर वो वीडियो मिलेगी ना शादी वाली में होगी, शादी वाली में होगी, नहीं 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 रील की, वो नहीं शादी वाली में है, है हाँ। चलो अगर वो वीडियो मिली ना, वो जब पापा के रिएक्शन थे जब ये मैंने लगाया था, तो वो दिखाऊंगा आप। दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ, दिस लिटिल पार्ट is called happiness. और ये जो है ये पापा की न्यू स्कूटी, मैंने और मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट करी थी पापा को आफ्टर रिटायरमेंट। और वो रिटायरमेंट की एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा मैं किसी एक व्लॉग में। और अभी देखो कैसे धूल खा रही है, साफ करे हुए कई टाइम, बहुत दिन हो गए। अब तो सिर्फ रीतिका ही चलाती है, तो पापा तो यूज़ नहीं कर पाते। तो ये देखो कैसी हो गई है, ये है अपनी मेरे एंट्रेंस। हेलो हेलो, कोई है? Money, I'm home. Yeah, guys. Yeah, guys. Meri baby. Guys. Welcome. तो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम गाइस को बता। पूरे एक अच्छा कमेंट आया था गाइस, कल के व्लॉग में एक कमेंट आया था, कमेंट भी देखो आप। तो उसी से आइडिया आया, उस भाई ने बोला था कि आप अपने पूरे घर का होम टूर दो। तो मुझे लगा हाँ यार इंटरेस्टिंग है, अच्छा आइडिया, खुद को इंट्रोड्यूस कर दिया, घर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे। चलो आओ पहले बाहर चलते हैं। तो गाइस मेन एंट्री वहाँ से है और ये है अपनी फ्रंट बालकनी, जहाँ पे पापा घूमी घूमी करते हैं, पापा बैठ जाते हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं और सारी चीजें यहीं पे होती है। ठीक है, अब दिखाते हैं पापा का रूम। पापा का रूम क्या, चलते जाओ गाइस। ये है हॉल, इतना बड़ा महल तो है नहीं, फिर ये पापा का रूम दिखाएंगे, फिर उसका रूम दिखाएंगे, फिर ये दिखाएंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया हॉल, अब आ जाओ अंदर। पहले ये मेरा रूम था जब मैं बैचलर था, और बैचलर पूरे बदल दिया बैचलर। और एक बेड था यहाँ पे, यहीं पे मेरा ऑफिस वर्क स्पेस यहीं पे था, लेकिन पापा ने पूरा टेकओवर कर लिया। मेरे को एक बात बहुत पछतावा होता है, मैंने बहुत ही कम लोगों को बताई है, जब ठीक थे ना पापा और मैं यहाँ काम करता था, पापा आते थे कभी कभी बैठ जाते थे मेरे साथ। क्या बोलते, चल चिंटू चाय पीवांगे, और मैं ऐसे बोलता था के पापा काम करने दो, के पापा काम करने दो, पापा 5 मिनट बैठते फिर उसके पापा चले जाते थे। तो ऐसे वो होता था, मेरे को बड़ा पछतावा था इस चीज का अभी। अब पापा ने पूरा रूम ही टेक ओवर कर लिया, अच्छा तू मेरे साथ चाय नहीं पीता था, अब मैं तेरा पूरा रूम टेक ओवर करूंगा। पापड़ी याद है अब मेरे तो आया करते है। तो ये रूम है भाई पापा का, यहाँ पे पापा की अलमारी अलमारी, टीवी वीवी पूरी, रहने का पंखा वंखा, यहीं पे वॉशरूम है। सबसे बेस्ट बात इस रूम की ये है कि इसके साथ में अटैच्ड वॉशरूम है, तो पापा के लिए क्या हो तुरंत के तुरंत वॉशरूम चले जाए और पास की पास में वो आ जाए। फिर चलो ठीक है, फिर बताइए चाय 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 पियेंगे अभी। अभी तो बना के दिया मम्मी ने पापा को, और अभी आधे घंटा भी नहीं हुआ। फिर किसकी चाय, मेरी गौतम की?
अपनी बनाऊंगा ना मैं, गौतम की बनाऊंगा ना जब आपकी बना देंगे। ठीक है चलो आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, होल से आप देख ही लिया है। हाँ बताओ ना इन सूपों का क्या करोगे। हाँ गाइस हॉल में ना, हॉल के अंदर तो वो रखा है, पूरा दुकान सी बन रखी है, ऐसा लग रहा है कि सोफा बेचने का वो है। इनको इसको और इसको ऑफिस में रख लेंगे ताकि कहीं ना कहीं यूज हो जाए, बैठने उठने भी काम आ जाएगा, इसलिए अभी यही रखा हुआ है। लेकिन इसको नहीं रखेंगे क्योंकि ये पापा यूज करते हैं और इसको पकड़ के खड़े भी रहते हैं बैठ भी जाते हैं, तो ये बहुत सही है। एक ये सीट और देखो वो सीट भी पापा की है। ये दोनों पापा की सीट है। इसको और इसको ऑफिस में ले जाएंगे। अब आ जाओ किचन। ये है किचन। हाँ लगता है गाइस साफ नहीं है इसलिए नहीं गुजारना चाहेंगे। किचन देख लिया, किचन में दिखाना है कुछ है नहीं गाइस। ये है फ्रिज, ये सब आपने देखा होगा आपके घर में भी, मेरे घर में भी है एज यूजुअल। आ जाओ अब आ जाते हैं अपने रूम में, है ना। अपने रूम में घुसते ही ये छोटा सा एक मम्मी ने अलमारी बनवाई थी। ठीक है ये क्यों था, ये स्पेस था तो क्या स्पेस था, जो भी था अलमारी का स्पेस था। ये अपना वॉशरूम है इस बेडरूम के साथ में, मास्टर बेडरूम के साथ में ये अटैच्ड वॉशरूम। ये अपना रूम है, इसमें तो आपने देखे ही होंगे बहुत सारे व्लॉग्स भी, प्रैंक्स भी। ये गौतम का बैग सुन तो ले, ये गौतम का बैग है, ये मेरा बैग है गाइस। ये मेरी बुक्स है गाइस, ये देख लो। ठीक है गाइस ये है हमारा रूम, अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। चलो तो गाइस पापा मम्मी का रूम देख लिया, हम दोनों का रूम देख लिया, अभी तो दिखा दे पूजा रूम। ये है हमारा पूजा रूम, ठीक है देखा मस्त दिखाया ना, ये है हमारा पूजा रूम। ठीक है चलो आगे बढ़ो। चलो आ जाओ ये बेडरूम है भाई भैया भाभी का। हाँ। ये त्रिशु की फोटो, भैया भाभी की फोटो दिखा रहा है पांच बार। अरे त्रिशु यहाँ त्रिशु यार मुंह से निकल जाता है त्रिशु। ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मम्मी की दवाई है, मम्मी की दवाइयों का बॉक्स। मम्मी का तो यूं समझ लो कोई सा रूम नहीं है, मम्मी क्या करती है इस रूम पे भी राज करती है, हमारे रूम पे भी और पापा मम्मी वाले रूम पे और हॉल पे भी। पूछो कैसे, दिन में यहाँ सोएगी रात में हॉल में सोएगी। ठीक है भाई अब आ जाओ यहाँ। ये बैक बालकनी, लेकिन इसको क्या कर रखा है, इसको मतलब होते ना हाउस होल्ड के लिए यूजफुल। ये देखो गाइस एक चूल्हा वहाँ पे भी है, एक चूल्हा यहाँ पे भी है अल्टरनेट। क्यों कि जब तबीयत से खराब हो जाए या मृति का ना हो या कोई घर पर कोई ना हो तो मम्मी आराम टर्ली से बैठ के रोटी वोटी बनाती है। यहीं पे अपना ये सब कूलर वूलर मशीन, ये चक्की आटा वाटा पीस ले यहीं पे ही। ठीक है और तो क्या ही दिखाएं गाइस, बाकी तो सारी चीजें होती है सब ब्रांड टाइप बगर टाइप नहीं हो जाता अपना देसी लैंग्वेज में बोले तो। वहां पे आपने देखा होगा एक वो लटक रही है वहां पे, पापा एक्सरसाइज कर रहे थे सोफे के साइड में टीवी के साइड में, वहां से चेंज करके आप यहाँ लगा दिया। सुबह सुबह मौसम भी अच्छा होता है, पापा यहाँ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, मम्मी भी यहाँ काम कर रही होती है, तो ऐसे रहता है कि आप सुनते भी रहते हैं देखते भी रहते हैं एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। ठीक है अब आ जाओ गाइस यहाँ पे। ये गाइस एक गेट हमने स्पेशली बनवाया था क्योंकि एक रोड है यहाँ से जो रोड कनेक्ट होता है, मतलब ये वहाँ से यूँ रोड है बट सिक्योरिटी पर्पज से ये रोड ब्लॉक में लॉक कर रखा है, ये सिक्योरिटी गेट। अगर आप उस तरफ देखोगे तो उस तरफ भी एक सिक्योरिटी गेट है, तो ये पूरा जो हमारा ब्लॉक है ये कवर्ड है। तो इस एरिया को मम्मी अपना एक टाइप से हैंगिंग गार्डन की तरह यूज़ कर लेती हैं, अपने गमले अपनी बेल अपने मतलब एक टाइप की हॉबी है गमलों की और उन सब की प्लांट्स की, तो वो करती हैं। तो ये है कभी कभी तो मम्मी टेरिटरी के बाहर भी चली जाती हैं। देख लो बाहर भी है। इसको लॉक कर दिया गया, ये पूरा रोड था, रोड ही है ये, लेकिन ये ब्लॉक की सिक्योरिटी के चक्कर में कवर कर रखा है। तो ये था अपना छोटा सा बड़ा स्टूल। आई होप हमने सब कुछ कवर किया होगा, अगर कुछ भूल गया तो बता देना। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय, सी यू सून। Great makeup say Abhi-abhi-shake, Abhi-abhi-shake, Abhi-shake, Abhi-abhi-shake, Abhi-abhi-shake, kill 'em. Who be the best on the mic, better tell 'em. Abhi-abhi-shake.